नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बीपीएससी टीआरई 3 इंग्लिश पेपर हुआ है। हमारे कुछ इंग्लिश के साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे कि आज का पेपर कैसा था और क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और पेपर का लेवल क्या था। तो सर्वप्रथम हम विजय सर से मिलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। और ये पेपर आज का जो हुआ है मॉडरेट पेपर रहा, इसको ना तो बहुत ज़्यादा टफ हम कह सकते हैं ना तो ईजी। लिटरेचर भी अच्छा रहा, पैसेज जो इसमें अच्छा कर ले जाएगा उसको वो बढ़िया इसमें स्कोर कर सकता है। जीएस का भी अच्छा रहा, इसमें बिहार स्पेशल भी 2-3 क्वेश्चन रहे जी सर। और ग्रामर में भी क्वेश्चन अच्छा इसका है, बहुत ज़्यादा नहीं टफ कह सकते, यही रहा आज का। आपके अकॉर्डिंग सर कट ऑफ क्या जा सकती है बीपीएससी टीआरई 3 इंग्लिश सब्जेक्ट पीजीटी के लिए, 11 ट्वेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो कट ऑफ क्या जा सकती है सर? देखिए, पिछली बार की अपेक्षा इस बार कट ऑफ जहाँ तक मैं समझता हूँ पेपर ठीक होने के बाद उससे ज़्यादा ही रहेगी। तो पिछली बार तो सर जैसे 63 था, इस बार क्या उम्मीद है, 65 या उससे भी ज़्यादा? एक दो नंबर आगे बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर भी हैं, सर से हम मिलना चाहेंगे। सर जीके के बारे में कुछ बताएंगे, जो जीएस पोर्शन था सर कैसा था? मॉडरेट था, कोई दिक्कत नहीं थी, सही था। हाँ, पिछली बार की अपेक्षा हमें भी लग रहा था कि जीएस का पोर्शन थोड़ा सरल आया था, जो वनडे के स्टूडेंट रहे होंगे वो अच्छा कर सकते हैं। लिटरेचर के बारे में आपका क्या कहना? लिटरेचर तो हार्ड था लेकिन कन्फ्यूजन था बस। होता है। आपके अकॉर्डिंग सर कट ऑफ क्या जा सकती है? 70 के करीब इसमें 11-12 में सर। तो 9-10 में क्या जा सकता है इसमें? तो और जा सकता है। देखिए सर, बता रहे हैं कि इंग्लिश विषय की मैं केवल बात कर रहा हूँ, 11-12 में 70 बता रहे हैं कि 70 कट ऑफ जाएगा और 9-10 में बोल रहे हैं कि 75 के आसपास कम जाएगा। 9-10 में कम जाएगा और बोल रहे हैं पीजीटी में यानी 11-12 में ज़्यादा जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये रहा पेपर आज का, और पेपर जैसा कि लोग बता रहे हैं कि मॉडरेट था, हालांकि पेपर तो 11-12 का था लेकिन पेपर सरल था 9-10 की अपेक्षा, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो उम्मीद करता है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा या तो कट ऑफ या आंसर की आता है हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।